हाँ वहां जाइए बैठिए, घुमाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन चैनल पे। चलिए तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से हम लोग जो है जल्दी से आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। सीडीपी का जो मेरा जो एक पहला जो चैप्टर हमने लिया हुआ है, थॉर्नडाइक का टॉपिक लिया हुआ है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, ये कहाँ के थे, कैसे थे, इन्होंने क्या क्या रिसर्च किए हुए हैं, और कहाँ कहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हमने केवल उन क्वेश्चंस को लिया है, उन टॉपिक्स को लिया है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, और पूछने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, होने की चीजें तो बहुत सारी होती है, बट जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाया हुआ है, आपको हमें टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां पे आप इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो भी मैं नोट्स बनाए हुए हैं वो आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जो आपके लिए हम लेके आए हुए हैं, समझाएंगे इसको, और पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, उस वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आगे पढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी आप ऐसे कोचिंग साथ में जुड़ जाए और देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए थॉर्नडाइक की पहली बात तो ये पॉपुलर क्यों, ये तो जो है इनको बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। इनको बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जो है एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का क्या रोल है, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में थॉर्नडाइक का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने दो बुक लिखी हुई है, बुक का नाम भी पूछता है एग्जाम में। बुक क्या है, एनिमल इंटेलिजेंसी है ना, एनिमल। ठीक है, तो इन्होंने दिया था एनिमल इंटेलिजेंसी, इन्होंने दिया था एनिमल इंटेलिजेंसी, इन्होंने इनकी बुक है। ठीक है, इनकी बुक है एनिमल इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये बुक का नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगला जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी इनका बुक का नाम है। इन्होंने ये दो बुक लिखी, एनिमल इंटेलिजेंसी और एजुकेशन साइकोलॉजी, इसलिए इनको जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का इनको फादर भी कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दो बुक लिखी हुई है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका में मैसेचुएट्स, वहां पे एक राज्य है मैसेचुएट्स, यूएसए में मैसेचुएट्स के रहने वाले हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है थॉर्नडाइक कहाँ के थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। मतलब क्या है, ट्रायल एंड इरर थ्योरी, ट्रायल एंड इरर थ्योरी, बार बार प्रयास करो, बार बार त्रुटि करो और फिर सीखो। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, क्या है इसमें, कैसे है, सारी चीजें हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक क्या थे, ये पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, ये पशु वैज्ञानिक भी थे। एक बार की कहानी है, इन्होंने रूम रेंट पे लिया था, वहां बहुत सारे चूजे, मुर्गी के बच्चे जो है पाले हुए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मकान मालिक ने इनको भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, तुम वो गंदगी फैला के रखते हो। ठीक है, फिर अपने दोस्त के पास गए, वहां पे गया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और आगे बहुत सारे थ्योरीज दी जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक क्या थे, पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इसके बाद हम इन्होंने दो थ्योरी दी है, दो थ्योरी कौन कौन सी थी उसको आप देखेंगे अभी। देखिए नियम और गौण नियम है ना, इन्होंने दो नियम दिए, इन्होंने जो है सीखने के दो नियम, क्या था, मुख्य नियम था और एक गौण नियम था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, एस आर थ्योरी दिया। ठीक है, एस आर थ्योरी का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस मीन्स होता है उद्दीपक, और ये रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इन्होंने सीखने के दो प्रकार के नियम दिए, दो प्रकार के नियम कौन कौन से हैं, मुख्य नियम जो प्राइमरी रूल है, प्राइमरी रूल्स है, और क्या सेकेंडरी रूल्स है।
सेकेंडरी प्रिंसिपल, सेकेंडरी जो गौण नियम है वो दो प्रकार के नियम हो गए, मुख्य नियम हो गए और क्या हो गया गौण नियम, दो प्रकार के नंबर जो है दिए गए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ये मुख्य नियम कितने दिए गए, मुख्य नियम उन्होंने तीन दिए, मुख्य नियम तीन दिए और गौण नियम कितने दिए पांच दिए, तीन मुख्य नियम दिए और पांच गौण नियम दिए। अब कौन कौन से मुख्य नियम है, उनका क्या मतलब है, कौन कौन से गौण नियम है उसको देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अब इसके बाद जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए, इनके सिद्धांत को हम लोग निम्न प्रकार के अन्य नामों के नामों से भी जानते हैं, इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं। इनका जो एस आर थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, जो त्रुटि और जो आपका सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत है, इसको पांच सिद्धांतों के अन्य नाम से भी जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संयोजनवादी सिद्धांत, ठीक है ना। ये पांच नाम से भी जाना जाता है थॉर्नडाइक के नियम को। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इनमें से कोई भी नाम दे देगा और आपसे पूछ देगा बताइए ये सिद्धांत किसने दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया है, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, प्रयत्न एवं भूल वही चीज है, प्रयत्न एवं भूल मतलब वही चीज है का सिद्धांत किसने दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सारे सिद्धांत किसने दिए हैं थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं, एसआर थ्योरी किसने दिया है थॉर्नडाइक ने ही दिया हुआ है, उसी के नाम को अन्य प्रकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। सर टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में भी बताते चलिए, तत्परता का नियम, यस वेरी गुड, प्रतिभेद का नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, यस हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किन नामों से जानते हैं, चलिए आपको इंग्लिश में भी हम कल से जो पीडीएफ नोट्स बनाएंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे ताकि इंग्लिश के बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रश्मि गोयल सर इंग्लिश में भी बताएं, कल से आपको इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे, सारे चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना, घबराइए नहीं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इस प्रकार के पांच अन्य नामों से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा अब थॉर्नडाइक के नियम आपने देखा, थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम, तीन मुख्य नियम थे और पांच क्या थे गौण नियम थे, ठीक है। अब बात करें हम लोग मुख्य नियम की, मुख्य नियम कौन कौन से थे, तीन प्रकार के मुख्य नियम थे, पहला अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। देखिए तो थॉर्नडाइक ने ये कहा कि बच्चे सीखते कैसे, सीखते कैसे है, उन तीन प्रकार के मुख्य नियम बताए। उन्होंने कहा कि जब बच्चा बार बार अभ्यास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, चीजों को सीख लेगा, ठीक है ना, क्या करेगा चीजों को सीख लेगा, यानी कि अभ्यास करने से चीजों में जो है और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना, बच्चे का जो कंसेप्ट होता है वो और अच्छे से क्लियर होता है, तो अभ्यास का नियम, ठीक है। तो अब देखिए अभ्यास के नियम में दो प्रकार के नियम यहाँ पे होते हैं, एक होता है यूज, एक होता है डिसयूज, ठीक है ना, यूज और डिसयूज, यानी कि प्रयोग और जो अनुप्रयोग, यानी जो प्रयोग करना और एक क्या बोलते हैं डिसयूज, मीन्स जो प्रयोग ना हो पाए। तो इन्होंने कहा कि अभ्यास में दो प्रकार का हो गया, एक यूज हो गया, यदि आप बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे किसी नियम का, किसी पढ़े हुए पाठ का, बार बार रिविजन करेंगे, वो चीजें कभी भूलेंगी नहीं, अभ्यास से आपका जो जो चीज सीखी हुई चीजें वो बार बार अभ्यास करने से लंबे टाइम तक बनी रहेंगी। यदि उन चीजों को डिसयूज यानी कि आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो चीजें क्या हो जाएंगी भूल जाएंगी। तो अभ्यास का नियम पहला हो गया, इसमें दो है यूज और डिसयूज, यूज करने से चीजें लंबे टाइम तक बनी रहेंगी और डिसयूज करेंगे क्या होगा चीजें धीरे धीरे भूल जाएंगी, ठीक है ना। तत्परता का नियम, सीखने के नियम में तत्परता का नियम बहुत ही आवश्यक नियम है। तत्परता का नियम का मतलब हो गया कि बच्चा काम करने के लिए, सीखने के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है उस काम को करने के लिए, आपका जो है जो आपकी तत्परता है, क्यूरियोसिटी है, वो कितना है। यदि आपको किसी काम के प्रति तत्परता होगी, मन आपका लगेगा, तो खूब आप अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी हॉबी होती है, जो आपकी हॉबी है, शौक है, वो आपकी तत्परता अपने आप उसमें होती है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भूख लगे, आप कंटिन्यू लंबे समय तक काम करते रहते हैं, जिसमें आपकी तत्परता होगी, जिसमें आपकी रुचि होगी, जिस काम में रुचि होती है उसमें तत्परता भी होती है। तो अब तो सेकेंड क्या हुआ, तत्परता का नियम, यानी यदि बच्चा उस काम को प्रति तत्पर है, इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है, तो काम को अच्छे ढंग से करेगा और अच्छे प्रकार से करेगा और उस काम में एक्सपर्ट भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, प्रभाव या परिणाम का नियम। उन्होंने कहा यदि प्रभाव, देखिए सीखने के ऊपर जो इफेक्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, उसका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव। क्या पड़ा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आप जो चाहते थे वैसा आपको रिजल्ट मिल गया, तो क्या करेंगे आप, और सीखने की इच्छा लाएंगे, उस काम को और करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। सपोज दैट, प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, आप खूब अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे मार्क्स लाने पे क्या हुआ, आपको टीचर ने जो है गिफ्ट दिया, चॉकलेट दिया, तो बच्चे का मन और बढ़ता है। प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव। टीचर ने बच्चे को मोटिवेट किया, बच्चे को प्रोत्साहित किया, बच्चे को गिफ्ट दिया, प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव। बच्चा उस काम के प्रति और अनुक्रिया दिखाएगा और रिस्पॉन्स देगा और काम को खूब करने की कोशिश करेगा और अच्छे से सीखेगा, तो प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है, कि प्रभाव नकारात्मक भी पड़ सकता है, यानी आपने जो है आपने कुछ काम किया और जो चाहते थे वैसा रिजल्ट ना मिलके ठीक उसका उल्टा हो गया, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपको डांट पड़ी, खूब मार खाए आप, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, अब आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे, यानी सीखने पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो तीन प्रकार के नियम आपने देखा। पहला नियम क्या देखा आपने, पहला नियम है अभ्यास का नियम। मुख्य नियम दिया गया तीन, अभ्यास का नियम। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें भूलेंगी नहीं, यूज करते रहेंगे, लंबे समय तक बनी रहेंगी। डिस यूज करेंगे, चीजें भूल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, तत्परता का नियम। आप कितने तत्पर हैं काम को करने के लिए, कितनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, यदि आपकी क्यूरियोसिटी अधिक है, तत्परता अधिक है, तो खूब अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या, थर्ड आपका है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, उस काम को बच्चा करना चाहेगा, निगेटिव पड़ेगा, बच्चा काम को नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तीन प्रकार के आपके जो है ये नियम हो गए। बढ़िया आ रहा कि नहीं आ रहा समझने, बढ़िया है। आपने देखा मुख्य नियम जो है तीन हो गए, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। अभ्यास, तत्परता और जो है प्रभाव, तीन नियम हो गए। ठीक, इसके बाद जो है थॉर्नडाइक ने पांच और नियम दिए हैं, जिसे गौण नियम के नाम से जानते हैं। गौण नियम में क्या है, पहला जो नियम दिया गया है बहु प्रतिक्रिया। इन्होंने कहा है किसी एक काम को बहुत प्रकार से, कई प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, कई प्रकार से किया जा सकता है, बहु प्रतिक्रिया, यानी बहुत प्रकार से किसी क्रिया को किया जा सकता है। तो बच्चे को आनंद एक ही प्रकार से मत कराइए, बच्चे को कोई भी काम कई प्रकार से बताइए कि इस प्रकार से कर लिया है तो इस प्रकार से भी कर सकता है। इससे क्या होता है, बच्चे को सोचने का जो दिमाग है, डायमेंशन है, जो बच्चा कई प्रकार से सोच सकता है किसी काम को करने के लिए, तो बच्चे के का मानसिक विकास होता है, बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो बहुत प्रकार से, बहु प्रतिक्रिया यानी बहुत प्रकार से किसी काम को कर लेना। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मीन्स क्या होती है, आपके मन की जो वृत्ति है, आवृत्ति है, जो इच्छा है वो कैसी है। यदि मनोवृत्ति आप उसमें मन में, यदि उस काम को करने में आपका मन लगता है, मन उसमें आवृत्त है, मन लगा हुआ है उस काम को करने में, यानी तो आपने सुना होगा लोग बोलते हैं इस बच्चे का मन पढ़ने में आवृत नहीं है, बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चे का जो मन है, मनोवृत्ति है, उस काम के प्रति नहीं है। तो जिस बच्चे का मनोवृत्ति यानी कि इसका मन भी काम को करने में लगेगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो बहु प्रतिक्रिया होती होना चाहिए, मनोवृत्ति होना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब होता है आंशिक, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में किसी काम को कर लेना। कोई बड़ा सा काम है, बच्चे को हम बोलेंगे बेटा तुम पूरे 20 लाइन की कविता सुना दो, तो 20 लाइन की कविता बच्चा सुनाने में घबरा जाएगा देख करके। बच्चे को बोलिए कि 20 लाइन की कविता एक बार में नहीं, बल्कि तुम चार लाइन करके तुम चार पांच भाग में बांट लो और चार लाइन सुना दो हमको। ठीक है, बच्चा खुश हो जाएगा और बड़े आसानी से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके, लर्न करके आपको सुना देगा। तो क्या हो गया, आंशिक क्रिया का नियम। इससे बच्चे को सीखने में क्या होती है, आसानी होती है, बच्चा बड़े आराम से इजी तरीके से सीख लेता है। ठीक है ना, आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब क्या होता है कि पहले से सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ करके सीख लेना, आत्मीकरण कहलाता है। एसिमिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, एसिमिलेशन बोलते हैं। आत्मीकरण मतलब जैसे मान लीजिए आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, साइकिल कैसे चलाते हैं, उसमें हैंडल का, हैंडल
थामते हैं, उसका बैलेंस बनाते हैं, पैडल मारते हैं, ब्रेक लगाते हैं, अपने निगाहों को सामने रखते हैं, तो सारी चीजें। मान लीजिए साइकिल चलाने के लिए आपको 6 चीजों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इस आपने जो नियम पहले से आपने सीख रखा हुआ है, आपने साइकिल चलाने के लिए आपने कुछ नियम सीखे हुए हैं, उस नियम के अनुसार आप साइकिल चलाते हैं। अब मान लीजिए आपको स्कूटी चलाना है, बाइक चलाना है, तो क्या होगा? अब आपको बाइक चलाने के लिए आपको कम से कम जो है 9 नियम की जरूरत पड़ी। तो इसमें से 9 नियम में से क्या होगा, आपको जैसे हैंडल थामना है, बैलेंस बनाना है, निगाहों को सामने रखना है, ये सारी चीजें तो आपने साइकिल चलाते समय भी सीख ली है। तो साइकिल चलाते हुए समय का जो नियम है वह यहाँ भी काम कर रहा है, साइकिल चलाते समय जो नियम था वो यहाँ भी काम कर रहा है। यानी आपने इस पहले से सीखी हुई ज्ञान को आपने इसमें मिला दिया, पहले से सीखी हुई ज्ञान को आपने बाइक चलाने के समय सीखते समय मिला दिया, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? आत्मीकरण। पहले से सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना और उसको और आसानी से सीख लेना। ये आत्मीकरण, बच्चा आत्मीकरण करना जान गया है, इसका मतलब उसको सीखने में आसानी हो जाएगी। पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ना ही जो है आत्मीकरण कहलाता है। बोले भाई, आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ। एसएन कोचिंग जाते समय आटो बदलना ही आंशिक क्रिया का नियम है, सिद्धयाल यादव। एसएन कोचिंग जाते समय आटो बदलना, ठीक है। आप एक ही बार में नहीं आ पा रहे हैं तो पार्ट पार्ट करके, दूर लग रहा है एक बार ऑटो से आ जाइए, एक बार स्कूटी से आ जाइए, एक बार साइकिल चलाते हुए आ जाइए, एक बार पैदल आ जाइए, साथ आपको अच्छा है, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। एक चीज में यदि बोर हो रहे हैं तो पार्ट बाई पार्ट में आएंगे तो आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी जैसे आप कोई चीज जानते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज को, किसी प्राकृतिक चीज को किसी आर्टिफिशियल चीज के साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य क्रिया का नियम इसी नियम को आगे चल के पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया है। पावलोव ने जो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसी नियम को लेकर के किया हुआ है। इसी नियम को और डिटेल में रख करके पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये क्या चीज है, जैसे पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते के लिए, कुत्ते के सामने क्या रखा, भोजन। स्टार्टिंग में पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ते को क्या हुआ, भोजन देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, भोजन हटा के घंटी बजाना शुरू कर दिया, घंटी बजाने के बाद भोजन देना शुरू किया, तो कुत्ते को क्या लगा, घंटी ही लार टपकने का जो कारण था वो क्या हो गया, घंटी हो गई। भोजन को घंटी से चेंज कर दिया गया, सहचर्य क्रिया का नियम यही चीज है, ठीक है। सहचर्य क्रिया का नियम यही चीज है कि हम एक प्राकृतिक चीज को एक आर्टिफिशियल चीज के साथ जोड़ देते हैं उसके स्थान पे, उसको बोलते हैं सहचर्य क्रिया का नियम। यही आपका पावलोव का सिद्धांत जो बना है उसका आधार यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, गौण नियम 5 हो गए, बहुप्रतिक्रिया का नियम यानी एक ही काम को कई प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा मनोवृत्ति का नियम, मन, आपके मन उस किसी काम को करने में कितना तन मन से लगा हुआ है, तन मन धन से लगा हुआ है, आपका मन कितना लगा हुआ है, यह मनोवृत्ति कहलाती है। आंशिक क्रिया का नियम, किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट के करिए, आसान हो जाएगा, आंशिक क्रिया का नियम हो गया। आत्मीकरण, पहले से सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ लेना, चीजों को आसानी से सीख लेने का सीखा जा सकता है, आत्मीकरण। सहचर्य क्रिया का नियम जो है, किसी भी प्राकृतिक चीज को किसी आर्टिफिशियल चीज के साथ में सांकेतिक रूप से जोड़ लेना ही क्या कहलाता है, जो है आपका कहलाता है सहचर्य क्रिया का नियम। बढ़िया भाई, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, बोलिएगा, ठीक है, आ रहा है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम आप सभी लोगों को, प्रणाम। क्या देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ ये देखा कि थॉर्नडाइक में आपने गौण नियम पढ़ लिया। अब देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग क्या था, उन्होंने प्रयोग किया किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भूखी बिल्ली थी, बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, ठीक है। मछली कैसी थी, मृत मछली थी। अब अनुक्रिया कर्ता कौन था, बिल्ली था, उद्दीपक कौन था, मृत मछली थी, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि
थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। उद्दीपक रूप में किसका प्रयोग किया, मरी हुई मछली का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी को समझते हैं। सोचिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें क्या है, इसमें जो है बिल्ली है, ये है बिल्ली, ठीक है, ये बिल्ली है। अब इस सोचिए एक गेट बंद है, लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा नीचे जो है कुछ लीवर, इसको क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है ना, इसको लीवर कहते हैं, ये लीवर है, लीवर मीन्स एक प्रकार का कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट है जिसपे पांव पड़ने से खुल जाएगा। अब इसका कनेक्शन क्या है, दरवाजे से, इस डोर से इसका कनेक्शन है, यहाँ पे डोर है, मान लीजिए यहाँ क्या है, डोर, तो इस लीवर का कनेक्शन डोर से है, यानी इस लीवर पे यदि पांव पड़ा तो डोर क्या होगा, खुल जाएगा, अब बिल्ली बाहर आ जाएगी। यहाँ पे मरी हुई मछली है, यहाँ पे क्या है, ये मछली है, यहाँ पर रखी गई है मछली, यानी कि बिल्ली को, देखिए पहली बात तो जो है बिल्ली के लिए प्रेरणा क्या बनेगा, उसका जो है मछली उद्दीपक का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी। अच्छा, अब बिल्ली मछली को क्यों खाएगी, बिल्ली मछली को क्यों खाएगी, इसके लिए जो है प्रेरणा होना चाहिए ना, प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, क्यों बिल्ली खाएगी, बिल्ली को भूखा रहेगी तब खाएगी, भूखा बिल्ली, भूखी बिल्ली है, यही इसकी प्रेरणा है, भूख क्या है, प्रेरणा मिल रही है, बिल्ली को प्रेरणा कौन दे रहा है, भूख दे रही है, यानी कि बिल्ली भूखी है, इसको प्रेरणा मिल रहा है। अब बिल्ली मछली को खाने का, मछली सामने आ गई, वो उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, अब इस मछली को खाने के लिए ये अनुक्रिया करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, हाथ पांव मारेगी, उछलेगी, कूदेगी, अचानक से क्या हुआ, इसका पैर लीवर पर पड़ा, दरवाजा खुल गया, बिल्ली ने मछली को खा लिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसीलिए इसको बोला गया है प्रयास एवं त्रुटि, बार बार प्रयास करो, बार बार गलतियां होंगी, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद क्या होगा, संतुष्टि मिली, फिर से बार बार प्रयास होगा, बार बार सीखेंगे, यानी यहां से क्या हुआ, इसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्ली क्या है, बिल्ली है अनुक्रियाकर्ता, अनुक्रियाकर्ता, उद्दीपक कौन है, मरी हुई मछली। ठीक है, प्रयोग किस पे किया गया, बिल्ली पे किया गया, जो इनका जो थॉर्नडाइक का जो बॉक्स था, बॉक्स, बॉक्स का नाम बताइए, आप बताइए थॉर्नडाइक ने जो बॉक्स प्रयोग किया है उसका नाम क्या था, कोई बच्चा बताएगा, गुरुजी उद्दीपक को समझा दीजिएगा। ओके सुधार यादव, उद्दीपक का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, जिसको देख करके आपका जो है मन, मन पे प्रभाव पड़े, आपके लिए उद्दीपक का काम कौन करता, जैसे कि फतिंगे के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए उद्दीपक का काम कौन करता है, जलता हुआ दिया, जलती हुई बत्ती उद्दीपक का काम करती है, वो जाते हैं उसको खाने के लिए, उद्दीपक जलती हुई बत्ती को, ठीक है ना, तो वही चीज है, उद्दीपक मतलब होता है जिसको देख करके आपकी इच्छा जागृत होने लगे, आपके अंदर की इच्छा जो है जागृत हो जाए, वही उद्दीपक है। तो बिल्ली की इच्छा जो है जागृत हो गई, उस मछली को देख करके अनुक्रिया करना शुरू कर देगा, वही उद्दीपक है। ठीक है, अब बात हो गई यहाँ पे, हाँ बॉक्स का नाम बताइए। ठीक है, हमने पूछा आपसे कि बताइए जो थॉर्नडाइक ने जो बॉक्स प्रयोग किया उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था बता दीजिए, कोई बताएगा भाई, बॉक्स का नाम, बॉक्स का नाम पूछता है एग्जाम में, थॉर्नडाइक ने जो जिस बक्से में बिल्ली को भरा था उस बॉक्स का नाम बताइए। ठीक है, इसको बोलते हैं पजल बॉक्स, क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स, पजल बॉक्स। ठीक है, तो पजल बॉक्स जो है ये थॉर्नडाइक के बक्से का नाम था। ठीक है भाई, आपने देखा यहाँ पे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी, आपने गौण नियम देखा, आपने जो है अब मुख्य नियम देखा। ठीक है ना, मुख्य नियम तीन होते हैं आपने देख लिया, गौण नियम पांच होते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है ना भाई, बढ़िया है। अब देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी, थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है इसी को एस आर थ्योरी भी बोलते हैं, यानी उन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो स्टिमुलस यानी क्या, उद्दीपक, और आर मींस क्या होता है, अनुक्रिया करना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, बार बार प्रयास करेगा, बार बार त्रुटि करेगा और सीखेगा, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत,
आपको जो है संबंध बताया गया है आपका कि कैसे बिल्ली और उद्दीपक के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, उसीलिए उसको बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न मतलब बार बार प्रयत्न करेगा, बार बार गलतियां करके सीखेगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध हो गया, संयोजन मतलब क्या होता है जोड़ करके किसी चीज को देखना, तो यहाँ पे बिल्ली और मछली के बीच का संयोजनवाद सिद्धांत है। इन पांच नामों से इसको जानते हैं, इन पांच नामों को आप याद रखिएगा, इसमें से आपको एग्जाम में कोई भी नाम देकर के पूछ सकता है किसने दिया हुआ है, ठीक है, किसने दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ये तो हाँ ये हो गया है, ये भी हो चुका हम लोगों का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाँ प्रयोग क्या किया, एस आर थ्योरी क्या है। कई बार भूखी बिल्ली जो है पिंजरे में अनेक क्रिया करती है, अनेक रिस्पॉन्स करती है, और अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, इसे अनुबंध कहलाता है, इसी को बोलते हैं अनुबंध, ठीक है ना। जब आप अनुक्रिया करते हैं और उद्दीपक को प्राप्त कर लेते हैं तो यह जो होता है इसको अनुबंध कहते हैं, क्या बोलते हैं अनुबंध, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अनुबंध कहते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये हमें बता चुके हैं आप लोगों को थ्योरी के बारे में। चलिए अब कक्षा में उपयोगिता, कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स को सीखने में इसका बहुत बड़ा रोल है, थॉर्नडाइक के इस नियम का प्रयोग हम लोग मैथमेटिक्स को सीखने में कर सकते हैं, विज्ञान को सीखने में कर सकते हैं, कमजोर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, क्योंकि बच्चा बार बार प्रयास करेगा, बार बार गलतियां करेगा, बार बार सीखेगा। मैथमेटिक्स में यही तो होता है, हम 10 क्वेश्चन दे दिए, हम कहते करिए करिए बार बार करिए, बार बार करने से क्या होगा, गलतियां करेंगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो नियम है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल तरीका है ये। बच्चों त्रुटि संभव हो जाती है, एक मिनट, बच्चों से त्रुटियां संभव हो जाती हैं, तो सही बात है, बच्चों से त्रुटियां होती हैं, बच्चे उसे करके सीखते हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण सीखने में बालक क्या करते हैं, शुद्ध उच्चारण इसी के द्वारा सीखते हैं। बच्चा आप बच्चा घर में बोलता है मम्मी मुझे पानी चाहिए, तो पानी में कुछ और बोलता है, गलत चीज बोलता है ना, मम्मी सिखाती है नहीं, बच्चा ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, बच्चा गलत बोलता है, मम्मी बार बार बताती है उस चीज को, बच्चा धीरे धीरे गलती करते 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 क्या होता है, शुद्ध उच्चारण करना सीख लेता है, ठीक है। बार बार प्रयास करना, बार बार त्रुटि करना और फाइनली उस चीज को सीख लेना, यही थॉर्नडाइक का नियम है, इसी बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया, ठीक है, आया कि नहीं है बताइए भाई, बढ़िया है। चलिए तो हम लोगों ने आज जो है पूरा थॉर्नडाइक को देखा, थॉर्नडाइक अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह थॉर्नडाइक को माना गया है, ठीक है। इन्होंने कितनी बुक लिखी है, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, एनिमल इंटेलिजेंसी है और एजुकेशनल साइकोलॉजी, 2 बुक लिखी है, इसके बारे में इन्होंने अपने एस आर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है और एक पशु वैज्ञानिक भी थे, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ा आपने, मुख्य नियम और गौण नियम, 2 प्रकार के नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। कितने मुख्य नियम दिए थे, मुख्य नियम दिए थे 3 और गौण नियम कितने दिए थे, गौण नियम दिए थे 5, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कौन से थे, अभ्यास तत्परता और प्रभाव का नियम, अभ्यास तत्परता और प्रभाव का नियम। गौण नियम कौन से थे, 5 नियम थे, बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मिकरण और सहचर्य क्रिया का नियम, ठीक है। इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जानते हैं हम लोग, इनके सिद्धांत को हम लोग जो है किस किस नाम से जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी का सिद्धांत। ये 5 अन्य नामों से भी जानते हैं और एस आर थ्योरी के नाम से तो जानते ही जानते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रयोग किस पर किया गया, बिल्ली पे, बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। उद्दीपक क्या था, मृत मछली उद्दीपक था, ठीक है। और अनुक्रिया करने वाला कौन था, तो बिल्ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है
इनके बॉक्स को क्या नाम दिया गया है, इनके बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स, इनके बॉक्स का नाम था। कक्षा में उपयोगिता क्या होती है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, बच्चों से गलतियां संभव है, बच्चे बार बार गलतियां करते हैं और सीखते हैं, कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुद्ध उच्चारण जो बालक करता है वो उसमें इसी सिद्धांत का प्रयोग होता है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में इस नियम का बहुत बड़ा प्रयोग भी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आया कि नहीं आया, आ गया, बढ़िया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अभी आपका जो है संस्कृत की क्लास भी चलेगी इस क्लास के बाद 12 बजे से, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, थॉर्नडाइक को हम लोगों ने आज देख लिया, कल हम लोग पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक क्लास में मेरी एक सिद्धांत होगा, कल हम पावलोव को पढ़ेंगे। ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जाइएगा टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद एसएन कोचिंग लिख करके, एसएन कोचिंग लिख के वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वहां पे सारे जो पीडीएफ मटेरियल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके बाय, गुड डे, धन्यवाद।